Powerful people make places powerful. Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Well, friends, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में. Well, friends, KGF के मेकर्स क्या मूड में हैं, क्या करना चाहते हैं, फिलहाल उनका माइंड पढ़ना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका, क्योंकि गाइस प्रैक्टिकली स्पीकिंग इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन 25th May राइट नाउ, इट्स लाइक जून जुलाई. We got only almost, you know, 40 days for the release of KGF Chapter 2, यानी कि 16 July, जो उसका निर्धारित डेट है, वो रिलीज के लिए बस 40 दिन है. Ideally and practically speaking, no one sees KGF Chapter 2 releasing on that day. And सभी लोगों को पता है, भरत गौड़ा, जो खुद इस फिल्म के हुम्बलो फिल्म्स के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उन्होंने खुद ऐलान किया है, we got a chase sequence remaining, we got a lot of dubbing remaining, post-production जो इस फिल्म का है, वो remaining है, and इसी का कारण है, ये फिल्म अभी उस समय पर शायद नहीं आ पाएगी जहाँ पे आने वाली है, ऐसा सभी लोगों को लग रहा है. भरत गौड़ा ने ऐसा कभी कहा नहीं है, लेकिन गाइस आज जो सरप्राइज KGF के मेकर्स ने छोड़ा है, दिस हैज लेफ्ट द ऑडियंस इन अ बिग कंफ्यूजन. मदर्स डे का दिन है, आप सभी लोगों को पता था, उसके सुबह को ही मैंने आपको एपिसोड बना के बताया था किस तरह से KGF चैप्टर 2 16 जुलाई को रिलीज नहीं होगी, एंड उसका सबूत KGF के मेकर्स ने उस टीजर के एंड में दे दिया था जहां पे उन्होंने लिखा था कमिंग सून इन सिनेमास KGF चैप्टर 2, जिसका सीधा सीधा अंदेशा यह था कि 16 जुलाई को ये फिल्म आने वाली नहीं है. अब आप सभी लोगों को पता है KGF टाइम्स का एक बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है जो हुम्बलो फिल्म्स ने निकाला था, जहां पे पेपर के अलग अलग कटिंग्स थी कि वेयर डज रॉकी टेरिटरी एंड, हुज फोर्स विल दे ज्वाइन, वो विल बी दे साइलेंट स्पेक्टेटर्स टू रॉकीज रैम्पेज, ऐसे कर करके बहुत सारे पेपर कटिंग्स हर आदमी के बर्थडे के दिन एंड KGF टाइम्स करके लोगों ने रिलीज किया था. लास्ट टाइम मैंने पेपर कटिंग केम वॉज ऑन द 26th of March. यहां पर विजेंद्र इंगालगी, जो कि प्रकाश राज का नाम था इस फिल्म में, यहां पर उन्होंने रिवील किया था कि द नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूज ऑन जुलाई द 16th. हाउ इज ही कनेक्टेड टू द स्टोरी ऑफ एल डोराडो, इज ही अ स्केप्टिक और अ बिलीवर, प्रकाश राज की फोटो डाल के उन्होंने लिखा था. अब गाइस 26 मार्च के बाद हालात बदले, सिचुएशन बदली, एंड उसके बाद महामारी शुरू हुई, एंड ये फिल्म आगे पुश होने की पूर्ण तरीके से संभावनाएं हो गई. लेकिन आज दे हैव गिवन अ ह्यूज शॉक एंड अ सरप्राइज टू द फैंस, एंड द फैंस हैव गॉन रियली बजूका बनानास एंड बॉन्कर्स. यहां पर KGF टाइम का एक और यहां पर एडिशन रिलीज किया गया है, क्योंकि राव रमेश जी का आज जन्मदिन है, एंड उन्होंने ये पोस्टर रिलीज किया, लिखा है CBI सेलिब्रेट्स इट्स टॉप ऑफिशियल काने घंटी राघवंश बर्थडे टुडे. तो उनका नाम काने घंटी राघवन है, ये CBI ऑफिसर है. अब CBI रॉकी में क्यों इंटरेस्टेड है, क्या रॉकी में इंटरेस्टेड है CBI, या फिर KGF में इंटरेस्टेड है? विल राघवन सक्सीड इन अनवीलिंग द ट्रूथ बिहाइंड नराची लाइमस्टोन कॉरपोरेशन, यानी के नराची के पीछे के जो राज है, क्या राघवन जो ये CBI इंस्पेक्टर है वो उसको रिवील कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नराची इंडिया 25th of May, इवत तुम्बा जास्ती कन्फ्यूजन आगिद है, इवत ई पेपर नल्ली 16 जुलाई डेट इदे, मत्ते टीजर नल्ली मदर्स डे कोस्कर और ये टीजर रिलीज माडिदो, और केलगडे और येन राइट माडिदारे कमिंग सून अंत, इवत ई पेपर गे 16 जुलाई बरकोटिदारे, येन आगते गोतिल्ल ननगे. ओके गाइस, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, एंड विकिपीडिया की माने तो राव रमेश का बर्थडे भी नहीं है, राव रमेश का बर्थडे 21 अप्रैल को है. तो क्या ये मेकर्स इसके जरिए एक संदेश देना चाहते हैं? जो भी है गाइस, इंडिया में अभी फिलहाल 2,20,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डेली, एंड 16 जुलाई को मेरे को नहीं दिख रहा कि थिएटर्स खुलेंगे. क्या मेकर्स का प्लान है पता नहीं, लेकिन KGF जब भी आएगी धमाका करेगी हम सभी लोगों को पता है. लेकिन गाइस आज का शायद जो पोस्टर का एडिटर है उसने गलती से वहां 16 जुलाई का स्टैम्प मार दिया है, पता नहीं. अब जो भी है गाइस, जब भी आए ये फिल्म इज गोना बी अ ब्लास्ट. ये पिक्चर अभी एक टीजर नहीं भी रिलीज करेगी, ट्रेलर नहीं भी रिलीज करेगी ना, तभी जाके फिल्म ब्लॉकबस्टर ओपनिंग लेने वाली है, इतना हम सभी लोगों को पता है. लेकिन दीज पीपल आर कीपिंग दिस फिल्म हॉट, गर्मा गर्म रखी हुई है पिक्चर ने. ओके गाइस, जैसे कुछ खबरें आएगी मैं आपको जरूर दूंगा, जिसमें आप साइनिंग ऑफ यू वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन.